हेलो फ्रेंड्स, हम बीएससी सेकंड ईयर में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट किया था उसमें जेनेटिक कोड पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ाते हुए पहले जीन रेगुलेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एक यूनिट के अंदर हम पूरा याद नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चैप्टर स्किप कर देंगे ट्रांसलेशन का, और उसके स्थान पर हम यहाँ जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो जीन रेगुलेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जीन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हम अपने सिलेबस के अंदर केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल में रेगुलेशन हमारे इस सिलेबस में नहीं है, उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। यहां पर केवल हमें दो रेगुलेशन या दो सिस्टम दिए गए हैं, एक है लैक ऑपेरॉन और एक दूसरा है टीआरपी ऑपेरॉन। तो ये हमारे को दिए गए, हमारे सिलेबस के अंदर केवल दो ही सिस्टम है, एक को हम लैक ऑपेरॉन कहेंगे, एक को हम कहेंगे टीआरपी ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो दोनों के अंदर देखेंगे किस प्रकार से जीन का रेगुलेशन होता है। अब बेसिकली जीन रेगुलेशन है क्या, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है कि जीन रेगुलेशन होना चाहिए। देखो, लगभग एक ह्यूमन सेल के अंदर 40,000 के आसपास जीन्स होते हैं। अभी 40,000 जीन्स हमारे 46 क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं, लेकिन कभी भी ये सभी जीन्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते हैं। बात यह है, कभी भी ये सभी जीन एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते हैं। केवल कुछ ही जीन हैं जो हर समय एक्सप्रेस होते हैं। तो जो जीन हमेशा हर समय एक्सप्रेस होते हैं, उन जीन्स को हम एक नाम देते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स। दे आर हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है। तो ये जीन्स हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं हाउसकीपिंग जीन्स में, देखिए, एक तो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, ये सभी हाउसकीपिंग जीन में आते हैं, यानी कि इनसे बनने वाली प्रोटीन की आवश्यकता हमेशा होती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। तो रेस्पिरेटरी चेन के जो एंजाइम्स हैं, वो सभी एंजाइम्स हाउसकीपिंग जीन के अंतर्गत आते हैं, और एंजाइम्स आर हाउसकीपिंग, प्रोड्यूस्ड बाय हाउसकीपिंग जीन। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, जिनका निर्माण, जिनसे प्रोटीन का निर्माण तभी होता है जब उनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीन्स को हम कंडीशनल या सशर्त जीन भी कहते हैं, कंडीशनल जीन। यानी कि कंडीशन होगी तो ये एक्सप्रेस होंगे, और अगर वो कंडीशन नहीं हुई तो ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होंगे।
जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो इंसुलिन प्रोडक्शन जो जीन है या इंसुलिन हार्मोन जो अग्राशय की बीटा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज या अग्राशय, अग्राशय की बीटा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका काम होता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ब्लड से ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना। जो बेसल लेवल होता है उस बेसल लेवल से कहीं ज्यादा करना, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना। देखिए, देखो जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड भी है और इनमें ग्लूकोज भी चल रहा है, और इनके दोनों तरफ यहाँ और वहां, जैसे यहाँ इस तरह से सेल्स हैं इस तरह से, तो ब्लड जो है वो इन सेल्स के अंदर जाता है। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की अनुपस्थिति में जो ब्लड से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होता है, यानी कि बेसल लेवल का होता है, एक इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसके अंदर इंसुलिन आता है तो इंसुलिन के आने से इसके जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, तो जैसे ही इंसुलिन आता है इंसुलिन सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, ग्राही स्थल हैं, उनसे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये कोशिका की ग्लूकोज के प्रति एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देता है। यानी अब ये कोशिका है ये ग्लूकोज का अपटेक बहुत अधिक मात्रा में करती है, और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में कम हो जाता है, इससे वो डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर इंसुलिन ना बने तो फिर ग्लूकोज का अपटेक इन सेल्स के द्वारा उतने लेवल से नहीं हो पाता इतने लेवल से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि जैसे ही एक कंडीशन क्रिएट होती है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं, आफ्टर फूड, जैसे ही आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर आता है, तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ने लगता है, इसका ग्लूकोज का। तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो ग्लूकोज इसमें, तो वैसे ही अग्राशय की जो बीटा सेल्स हैं इनसे इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक कंडीशन क्रिएट होगी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन बनेगा, और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घटेगी तो फिर इंसुलिन का निर्माण भी घट जाएगा। तो दिस इज अ जीन रेगुलेशन, ये एक जीन रेगुलेशन है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है तो इंसुलिन का निर्माण होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये इंसुलिन, मतलब ये एक रेगुलेशन हो गया इंसुलिन को बनाने वाली जीन का, कि अगर मान लो जब उसकी जरूरत ही नहीं है, जब ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं है तो फिर इंसुलिन का क्या करेंगे। इसलिए जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो फिर इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, अगर ज्यादा है तो इंसुलिन बनाया जाएगा। तो दिस इज द रेगुलेशन। तो ये जो जीन है एक ये कंडीशनल जीन है, इसको एक कंडीशन चाहिए तब तो एक्सप्रेस होगी और अन्यथा नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ जीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं वो हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं, और कुछ जीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते वो एक स्थिति में एक्सप्रेस होते हैं, उन्हें हम कंडीशनल जीन। तो हमारे सिलेबस में है कुछ इस तरह के, यानी कंडीशनल जीन के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल तो हम पहले प्रोकैरियोट का देखते हैं, फिर हल्का सा देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल
हमने जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था, उस दिन बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो जीन कंटेंट है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन्स होते हैं वो अकेले ना होकर के इस रूप में होते हैं, ऑपेरॉन के रूप में होते हैं, ऑपेरॉन मॉडल होता है। और ये ऑपेरॉन मॉडल पार्डी, जैकब एंड मोनोड द्वारा खोजा गया था या दिया गया था। पार्डी, जैकब एंड मोनोड, ये तीन वैज्ञानिकों ने ऑपेरॉन कंसेप्ट को दिया था। तो व्हाट इज ऑपेरॉन? ऑपेरॉन का मतलब होता है कि सिंगल रेगुलेटरी यूनिट होती है, सिंगल रेगुलेटरी यूनिट है, यानी कि जब कई जीन एक ही रेगुलेटरी यूनिट से जुड़े हों और वो सभी जीन से बनने वाले एंजाइम एक ही सीरीज अभिक्रिया में काम में आए, एक ही चेन रिएक्शन में, तो उसे हम ऑपेरॉन कहते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए बहुत सारे ऑपेरॉन हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लाइक ऑपेरॉन, अरेबिनोस ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, दुनिया भर के ऑपेरॉन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन है वो हमेशा ऑपेरॉन के रूप में होता है और इनसे बनने वाला जो एंजाइम या जो एमआरएनए है वो एमआरएनए यहाँ पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, यानी कि एक ही एमआरएनए से कई प्रोटीन्स का निर्माण होता है, दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो ये समझ में आया, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये ऑपेरॉन के रूप में पाए जाते हैं, ऑपेरॉन की खोज इन्होंने की। ऑपेरॉन क्या है कि जो सिंगल यूनिट से या सिंगल रेगुलेटरी यूनिट से कई जीन जुड़े हों, और दूसरी बात उन सभी जीन से बनने वाले उत्पाद एक ही रिएक्शन में काम में आते हों, तो उसे हम कहते हैं ऑपेरॉन। तो यहाँ हम दो ऑपेरॉन पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे लैकोपेरॉन और दूसरा पढ़ेंगे हम टीआरपी ऑपेरॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लैकोपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, ठीक है। देखो लैक मैंने होता है लैक्टोज, लैक्टोज ये इसका, लैक्टोज का ही शॉर्ट फॉर्म है लैक। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। सिंपल सिंपल से समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है, एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, कोई भी सेल है उस सेल का सबसे सिंपल एनर्जी स्रोत ग्लूकोज होता है या कार्बन स्रोत ग्लूकोज होता है, या हम एक शब्द में कहें तो ये है कि हर कोशिका का भोजन ग्लूकोज होता है। हम चाहे अपनी सेल में खाएं, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, चाहे हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, चाहे आप किसी भी सेल की बात कीजिए, हमेशा हर सेल का जो सिंपल भोजन है वो ग्लूकोज होता है। तो हम चाहे भोजन में कुछ भी खाएं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सेल जो भोजन का एब्जॉर्ब करती है वो हमेशा ग्लूकोज के रूप में ही करती है। इसलिए हमारा या हमारी सेल का जो भोजन है वो ग्लूकोज ही है, अगर देखा जाए तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है। अगर देखो अब वही बात है कि हम चाहे कितने भी खा रहे, कितनी भी चीजें खा रहे हैं, लेकिन अगर सेल को ग्लूकोज पहले मिल रहा है तो वो उन सब चीजों को छोड़ देगी
ग्लूकोज को पहले लीजिए, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो सिंपल एनर्जी स्रोत है और सिंपल कार्बन स्रोत है। दूसरी बात ये कि ये सेल मेम्ब्रेन से जल्दी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं और किसी के नहीं पाए जाते। दूसरी बात, अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज का जो आकार है वो ग्लूकोज से जस्ट डबल होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज का जो थोड़ा छोटा होता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, दूसरा इसका आकार लैक्टोज से छोटा है इसलिए आसानी से चला जाएगा, अन्य किसी को ये नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो बात यह है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन की, लैक्टोज ऑपेरॉन। देखो लैक्टोज ऑपेरॉन का मतलब है कि लैक ऑपेरॉन में जितने भी जीन्स हैं उन सभी जीन्स से बनने वाले एंजाइम्स इस लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में ही काम आएंगे और एक ही रेगुलेटरी यूनिट से ही जुड़ा होगा, तब जाके बनेगा लैक ऑपेरॉन। तो हम यहाँ पर इसकी संरचना ड्रॉ करते हैं अभी। तो देखिए किस प्रकार संरचना होती है लैक ऑपेरॉन की। ये भाई इसमें यहां एक जीन होता है जिसका नाम है लैक आई, लैक आई, दिस इज इनहिबिटर, ठीक है। इस जीन का प्रमोटर इसके पीछे की तरफ कहीं और होगा, समझ लो ये है, तो इस जीन का प्रमोटर जो है वो इधर होगा। ये जीन हमारे लैक ऑपेरॉन के प्रमोटर के साथ एक्सप्रेस या जुड़ी हुई नहीं है, इसके साथ एक्सप्रेस नहीं होती है। इसका मान लो यहाँ पर ये प्रमोटर है, उसके बाद बीच में कुछ जीन्स का गैप है, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का गैप है। फिर है हमारा मेन प्रमोटर, दिस इज मेन प्रमोटर, और इसके बीच में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर, ओ ऑपरेटर। यहां से और यहां तक ये पूरा है प्रमोटर, और इसी प्रमोटर के बीच में एक छोटा सा स्थान ऑपरेटर का है। तो लगभग ऐसा इसकी सीक्वेंस का पता लगाया है, तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड की होती है, 80 बेस पेयर की होती है, जिसमें से ऑपरेटर के लिए इस 80 के बीच में कहीं पर 30 बेस पेयर या 30 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर का हिस्सा है ये 30 न्यूक्लियोटाइड का है। प्रमोटर, ऑपरेटर, जितने भी जीन्स हैं ये सब डीएनए की श्रृंखला के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें हम सिस एलिमेंट कहते हैं। इनके ऊपर देखो लैक आई एक इनहिबिटर बनाता है, तो इनहिबिटर जो है वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन इस यहां से आकर के इस जगह पर जुड़ेगी ऑपरेटर पर। तो ऑपरेटर एक सिस एलिमेंट है, आकर के कौन जुड़ रहा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक ट्रांस एलिमेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां से यहां दिस इज लैक जेड, दिस इज लैक वाई, दिस इज लैक ए, लैक ए, यानी कुल मिलाकर के लैक आई, प्रमोटर ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये सभी प्रमोटर का हिस्सा है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि लैक आई जीन प्रमोटर का हिस्सा नहीं है, इसका एक्सप्रेशन कहीं और से होता है। लेकिन हम ये कहें कि बिना आई के इस प्रमोटर की भी कोई वक्त नहीं है, क्योंकि आई ही वो जीन है जो इस प्रमोटर को रेगुलेट करेगा, तो इसके साथ हमें इसे पढ़ना है। लेकिन इसका एक्सप्रेशन इस लैक ऑपेरॉन से ना होकर के किसी और जगह से होता है। अब आगे अगर हम चले तो इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखते हैं कि कितने कितने न्यूक्लियोटाइड से ये बने होते हैं। तो जो लैक आई जीन है, लैक आई, ये लगभग 1040 न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, 1040 न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। ये मैंने बताई दिया आपको
कि 80 निकोटाइड का होता है प्रमोटर, इसमें से 30 निकोटाइड होते हैं ऑपरेटर के लिए, और भी है इसमें लगभग 44 के आसपास निकोटाइड होते हैं सीएपी के लिए, सीएपी भी यही होता है कहीं इस तरह से, ये समझो कि भाई यहाँ पर सीएपी है, दिस इज सीएपी, इसका जिक्र हम करेंगे, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे, अभी इसको हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, इस तरह से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद लेक जेड, ये सबसे बड़ा जीन होता है क्योंकि ये टेट्रामर का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना भी, इसमें लगभग 3000 निकोटाइड्स होते हैं, 3000 निकोटाइड्स, इनमें लगभग 800 और 800 निकोटाइड्स होते हैं तीनों दोनों में, ये 1040 निकोटाइड का होता है, ये लगभग 3000 से ऊपर ही होते हैं, किसी में 32 तो है, किसी में 3063 है, कुछ इस तरह से होता है, इसमें लगभग 3000 है, इसमें 800 से कम है, 725 750 के आसपास है, इसमें थोड़े से 800 ज्यादा है, तो इन दोनों में लगभग 800 है, यहाँ पर 3000 है। अब देखो इनका स्पेशल अगर देखा जाए तो इनका स्पेशल अगर होता है तो भाई इसका एक्सप्रेशन टेट्रामर के रूप में होता है, टेट्रामर, ठीक, टेट्रामर से मतलब है कि इसकी चार यूनिट होती हैं जो आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़ने के बाद फिर वो एक टेट्रामर बनाती है, एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट मान लो ये हो गई, तीसरी यूनिट ये हो गई और चौथी यूनिट ये हो गई, दिस इज टेट्रामर, ये टेट्रामर के रूप में ही काम करेगा। उसके बाद आप देखें लेक जेड, तो लेक जेड इज ऑल्सो टेट्रामर, ये भी टेट्रामर के रूप में होता है, इसी तरह इस तरह से ये है, बाकी सब ये मोनोमर और वो डाइमर, ये मोनोमर है और ये डाइमर है, इनकी ये चार सब यूनिट, यहां पर एक सब यूनिट और यहां पर ये दो सब यूनिट, इस तरह से दो सब यूनिट, यहां पर ये चार सब यूनिट, दो तीन और ये चार सब यूनिट, इस प्रकार से ये चार सब यूनिट, आई जो है वो टेट्रामर है, बीटा गैलेक्ट सॉरी लेक जेड जो जीन है वो टेट्रामर है, लेक वाई जीन है वो टेट्रामर है, और लेक ए जीन है वो सॉरी लेक वाई जीन मोनोमर है और लेक ए जीन एक डाइमर है, तो इस तरह से इनके अंदर यूनिट्स पाए जाते हैं, टेट्रामर का मतलब चार यूनिट, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट और डाइमर मतलब दो यूनिट। अब आगे अगर हम चले तो देखो इसका काम होता है जो लेक आई जीन है, इसका काम होता है एक इनहिबिटर का निर्माण करना, एक इनहिबिटर का निर्माण करना, ठीक, इसका काम होता है लेक जेड जीन का, ये बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को, लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस में ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को, अगर लैक्टोज नहीं सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो लैक्टोज कभी भी ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज में नहीं टूटता है। तो देखो बात ये कि मान लो हम माध्यम में लैक्टोज मिला रहे हैं तो लैक्टोज को सेल कभी नहीं लेगी, मतलब जो सेल है वो अपने एनर्जी प्रोडक्शन में या कार्बन स्रोत के रूप में कभी भी लैक्टोज को नहीं लेगी, उसको चाहिए ग्लूकोस, तो देखो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज में तोड़ रहा है तो इस ग्लूकोस का उपयोग सेल करते हैं, ग्लूकोस को चाहिए, सेल को चाहिए ग्लूकोस ही, हर कंडीशन में सेल ग्लूकोस ही खाएगी, चाहे वो लैक्टोज दीजिए चाहे कोई सा भी दीजिए लेकिन सेल हमेशा ग्लूकोस ही खाएगी, ये इस ग्लूकोस को लेती है। उसके बाद जो लेक वाई जीन,
बनाती है लैक्टोज परमीएज, लैक्टोज परमीएज। देखो ये एक एंजाइम, सॉरी प्रोटीन है, परमीएज मतलब एंजाइम ही होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने पहले बताया था कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसलिए ग्लूकोज तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन लैक्टोज के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी कोई विधि नहीं है इससे लैक्टोज आसानी से सेल से होकर के साइटोप्लाज्म में जा सके, सेल मेम्ब्रेन से होकर साइटोप्लाज्म में एंटर कर सके, क्योंकि तो जो लैक्टोज है वो बाहर है, ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म होनी है वो सेल के अंदर होनी है, तो लैक्टोज बाहर है, तो लैक्टोज बाहर से भीतर कैसे जाएगा जबकि उसके अंदर ट्रांसपोर्टर तो केवल ग्लूकोज के, लैक्टोज के ही नहीं। तो इस कंडीशन में एंजाइम एक्सप्रेस होता है लैक्टोज परमीएज। तो लैक्टोज परमीएज एंजाइम क्या करता है कि जो सेल है उसके परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, तो इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर किसके लिए, लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज के लिए ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद तीसरा वजह ट्रांस एसिटाइलेज, तो ट्रांस एसिटाइलेज इसका नाम है लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज। तो जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये भी एक एंजाइम है, तो ये भाई एसिटिल समूह को ट्रांसफर करता है किस चीज को, देखो जब लैक्टोज टूटता है तो लैक्टोज की, जब लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म शुरू होती है तो लैक्टोज के टूटने से कुछ पदार्थ बनते हैं, वो पदार्थ टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो उन टॉक्सिक पदार्थों को रोकने के लिए, या हम ये कहें कि टॉक्सिक पदार्थ सेल के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन पदार्थों को, इन पदार्थों को जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, इन पदार्थों को उदासीन करने के लिए हमारे पास एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज। देखो टॉक्सिक पदार्थ सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम इस एसिटिल समूह को ट्रांसफर एसिटिल समूह या एसिटिल ग्रुप टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि एसिटिल समूह को टॉक्सिक पदार्थों को ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से ये उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होने के बाद ये सेल को हार्मफुल नहीं है या सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सेल हमारी सेफ बनी रहती है। तो दिस इज द एक्चुअल मैप ऑफ लैक ऑपर, दिस इज लैक ऑपर, लैक आई, ये हमने यहां पर देख लिया अभी किस प्रकार से ये आई प्रमोटर, इसके अंदर ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये कितने कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, कितने कितने इसके यूनिट्स होती है, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर है, क्या क्या निर्माण करता है, ये देखो ये एंजाइम बनाता है, ये यहाँ पर ये एंजाइम, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि ये सभी एंजाइम्स, इस ये जो जीन्स हैं, ये सभी जीन्स किस प्रकार से एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। अब एक चीज और देखते हैं हम यहाँ थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, एक नया वर्ड है कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन,
या इसे हम कहते हैं हिंदी में अहेतुक, अहेतुक कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब अहेतुक, जिसका कोई रेगुलेशन ना हो। भाई कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब यही होगा कि जिसका कोई रेगुलेशन ना। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि जब कोई जीन बिना रुके एक्सप्रेस होती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, लैक आई जीन, लैक आई जीन ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होती है, अहेतुक तरीके से एक्सप्रेस होती है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। लैक आई जीन दोनों कंडीशन में, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि लैक आई जीन दोनों ही कंडीशन में इनहिबिटर बनाती है, चाहे वही माध्यम में ग्लूकोस है और चाहे वही माध्यम में लैक्टोस है, दोनों ही एनवायरमेंट में लैक आई जीन लगातार इनहिबिटर का निर्माण करेगी, तो यहाँ इसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है। जब रेगुलेशन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के उसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन। कंस्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन देखिए, एक वाइल्ड टाइप जो सेल से हुआ, वाइल्ड टाइप जो जीन होता है उसको हम लिखते हैं आई प्लस, और अगर किसी में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं आई माइनस, इस तरह से। और जो आई प्लस है ये वाइल्ड टाइप जीन है और ये एक म्यूटेंट टाइप है, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो ऑपरेटर है ये ओ प्लस है, इट मीन्स दिस इज वाइल्ड टाइप नॉर्मल, और अगर मान लो ये इस तरह से ओसी हो जाता है या वो माइनस हो जाता है तो दिस इज द म्यूटेंट टाइप। ऐसे ही सबके साथ है, अगर जेड प्लस है या इसका जेड माइनस है, वाई प्लस है या वाई माइनस है, ए प्लस है या ए माइनस है, लेकिन इन तीनों जीनों से कभी भी कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होता। इनके तो फंक्शन है, ये रेगुलेटरी जीन नहीं है बल्कि दीज आर स्ट्रक्चरल जीन, लेक आई प्रमोटर और ऑपरेटर ये एक रेगुलेटरी जीन है, और जेड वाई और ए इनसे एक एंजाइम का निर्माण होता है इसलिए ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो जब स्ट्रक्चरल जीन है इसका मतलब एंजाइम बना रही है, तो इनका कभी है इनसे कभी रेगुलेशन नहीं होता, इनका रेगुलेशन होता है इसके द्वारा। तो देखो अगर मान लो आई प्लस है, कंडीशन देखना भाई, आई प्लस है ओ प्लस है तो इस कंडीशन में हमेशा रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन होगा। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखना कैसे कैसे होगा। अगर मान लीजिए आई माइनस या आई माइनस है ओ प्लस है तो इस कंडीशन में रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आई प्लस है ओ माइनस है या ओ सी है तो इस कंडीशन में भी रेगुलेशन नहीं होगा, और अगर मान लीजिए आई माइनस है ओ सी है इसमें भी रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें रेगुलेशन होगा, बाकी इन तीनों में अगर आप देखें तो इन तीनों में कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, यानी कि यहाँ रेगुलेशन होगा ही नहीं, ये जीन लगातार एक्सप्रेस होते रहेंगे, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब है कि ये जीन लगातार प्रोटीन का निर्माण करते रहेंगे, चाहे भले माध्यम में कंडीशन या एनवायरमेंट में कंडीशन कोई भी क्यों ना हो। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। तो देखो इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो होती है कि जब माध्यम में ग्लूकोस है और एक होती है जब माध्यम में लैक्टोस है। अभी हम कंस्टिट्यूटिव के बारे में देख लेंगे ढंग से, लेकिन पहले हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो देखो ये दोबारा से लैकोपेरॉन,
दिस इज लाइक आई जीन, लाइक आई, ये थोड़ा सा गैप, उसके बाद दिस इज प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज ए। ठीक, हमको पता है कि लैग आई जीन, हमको पता है कि लैग आई जीन ये लगातार एक्सप्रेस होती रहती है। लैग आई जीन का काम होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली इनहिबिटर का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? इनहिबिटर का, समझो ये इनहिबिटर है, और ये इनहिबिटर हमेशा ऑपरेटर पर जाके जुड़ता है, ये ध्यान रखना। इनहिबिटर के जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी जो संरचना है या उनका जो क्रम है, वो सीक्वेंस है, वो इस प्रकार का है कि वो हमेशा कहां जुड़ेंगे? ऑपरेटर पर जाकर जुड़ेंगे। तो इनहिबिटर हमेशा ऑपरेटर के लिए प्रोटीन बनाता है। अब एक बात सोचो, जब ऑपरेटर के लिए प्रोटीन बनाएगा तो ऑपरेटर पर जाके जुड़ जाएगा ये। अब ऑपरेटर को इधर कोई अलग से है नहीं है, ठीक है, ऑपरेटर को अलग से नहीं है, ऑपरेटर प्रमोटर के बीच में ये हिस्सा है। तो जब ऑपरेटर पर जाके जुड़ जाएगा तो अब इस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज आने से वंचित रह जाएगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आना चाहिए था, लेकिन अब जब पहले से इसके ऊपर ये बैठा हुआ है इनहिबिटर, तो अब आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ेगा? क्योंकि उसको तो बड़ा चाहिए ना, बड़ी जगह चाहिए, लेकिन यहां पर पहले से ऑपरेटर में बीच में 30 न्यूक्लियोटाइड है जो ऑपरेटर के लिए है, तो वहां पर वो पहले से बैठा है, तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी। जब आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी तो ये जुड़ेगा नहीं, जब जुड़ेगा नहीं तो इन तीनों जीनों का एक्सप्रेशन होगा नहीं। इसका मतलब है कि लैग ऑपरेटर ऑफ हो जाएगा। दोबारा देखिए एक बार, कि जब लैग आई जीन इनहिबिटर बनाएगा और ये इनहिबिटर प्रमोटर के बीच में जो स्थान है ऑपरेटर का, वहां पे आके जुड़ेगा। इसकी कंडीशन देख लो क्या है। कंडीशन है कि जब माध्यम में, एक कंडीशन, जब माध्यम में, हम पढ़ी लेते हैं यहां पर, वो साथ साथ देख लेंगे। जब माध्यम में ग्लूकोज प्रेजेंट हो, ग्लूकोज उपस्थित हो, ये इसमें उसको बता रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ये देख लेते हैं। जब माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित है, तो एक चीज हमारे दिमाग को वैसे आ जानी चाहिए कि जब माध्यम में ग्लूकोज है तो लैक्टोज है नहीं, इन तीनों जीनों का क्या बनेगा? रेगुलेशन होगा। सीधी सी बात है कि जब माध्यम में ग्लूकोज है, लैक्टोज है नहीं, तो फिर लैकोपरोन के तीनों जीनों का क्या बनेगा? इसका मतलब है कि रेगुलेशन होगा, अर्थात ये ऑफ होगा। तो हमारे दिमाग में जैसे ही हमको पता लगा कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि लैग ऑपेरॉन ऑफ, और अगर माध्यम में लैक्टोज है तो हमको दिमाग में भक्ति जल्दी चाहिए, लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि भाई ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज का यूज तो तब होगा जब तीनों जीन एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज के लैक्टोज में, तब जाके सेल उसका ग्लूकोज है उसको यूज करेगी। तो इसका मतलब है कि लैग तो जैसे ही प्रेजेंट होगा, लैग ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑन। ये दो चीज हमारे दिमाग में पहले से ही डिसाइड हो जानी चाहिए कि अगर माध्यम में ग्लूकोज है तो लैग ऑपरेशन ऑफ होगा, और अगर माध्यम में लैक्टोज है तो लैग ऑपरेशन ऑन होगा। तो देखिए, ये इनहिबिटर बन रहा है जब माध्यम में ग्लूकोज प्रेजेंट है। हमको पता लग गया भाई ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैग ऑपरेशन ऑफ होगा। ऑफ होगा तो कैसी कंडीशन में से ऑफ होगा? जो कंडीशन ऐसे बनती है भाई कि लैग आई जीन जो ऑपरेशन ऑपरेटर से, जो हमारे ऑपरेशन से बाहर है, वो एक इनहिबिटर बनाती है। इसका जो निर्माण है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली होता है। तो ये इनहिबिटर कहाँ जुड़ता है? जाके ऑपरेटर से। जब ये ऑपरेटर पर जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए प्रमोटर पर जगह नहीं बचती। भाई आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पर जुड़ेगा तो इसको जगह नहीं बचेगी। जब इसको जगह नहीं बचेगी तो फिर ये जेड वाई और ए, ये तीनों जीनों का एक्सप्रेशन कैसे होगा?
और जो कैसे होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइक ऑपरॉन ऑफ, और हम चाहते भी ये कि जब माध्यम में ग्लूकोस प्रेजेंट है तो लाइक ऑपरॉन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। फिर माध्यम में ग्लूकोस प्रेजेंट है तो ऑफ होगा, इनहिबिटर ऑपरेटर में जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने का स्थान नहीं बचा इसलिए जुड़ने से वंचित रह जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं जुड़ेगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, जीरो। सेकंड कंडीशन है कि जब माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट हो, जब माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट हो देखो कैसे होता है अभी लैक्टोज का, देखिए इसमें कुछ कंडीशन ऐसी है कि इसका लीकी एक्सप्रेशन होता है, लीक जैसे लीक हो जाता है, लीक थोड़ा बहुत लीक होने के बाद निकल जाता है, तो उस प्रकार से सब कोई पात्र है और वो लीक हो गया तो उसमें से जो सॉल्यूशन है वो निकल गया है, तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन एक लीकी एक्सप्रेशन होता है। अब लीकी एक्सप्रेशन में क्या होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है, जैसे मान लो ये चाहे भले कितना ही कम है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण होता है, तो दिस इज अ लीकी एक्सप्रेशन। तो लैग ऑपेरॉन का लीकी एक्सप्रेशन होता है जिससे कुछ मात्रा में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, अब देखो हम कह रहे हैं माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोस नहीं है, जब ग्लूकोस नहीं तो सेल तो खाएगी कुछ ना कुछ, कोशिश करेगी। तो भाई देखो कुछ कोशिश करने के बावजूद जो सेल है ये कुछ मात्रा में लैक्टोज अंदर लेती है, या सेल के अंदर पहले से लैक्टोज होते हैं। अब ये लैक्टोज इस कम मात्रा में, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कम मात्रा है, इस कम मात्रा में ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, एलोलैक्टोज। और ये एलोलैक्टोज अब इस इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है और इसकी संरचना में परिवर्तन कर देता है। देखिए मैंने कहा था कि लैक आई जीन का एक्सप्रेशन हमेशा कंस्टिट्यूटिवली होता है, यानी कि ये हमेशा बनेगी चाहे भली माध्यम में कुछ भी प्रेजेंट है और चाहे कुछ भी एब्सेंट है। तो यहां पर देखो आई तो हमेशा बनी रहा है, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जो लैक आई जीन है उसका जो इनहिबिटर है वो इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो दिस इज द इनएक्टिव रिप्रेसर या इनएक्टिव इनहिबिटर। कैसे होगा, क्योंकि देखो माध्यम में कुछ लैक्टोज होगा, सॉरी सेल के अंदर कुछ लैक्टोज होगा, तो और मैंने बताया कि भाई ये लैक ऑपेरॉन है, इसका लीकी एक्सप्रेशन होता है, यानी कुछ मात्रा में इसके द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया जाता है, और वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज फिर इस लैक्टोज के थोड़ा बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं उन लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स को एलोलैक्टोज में बदल देता है। तो एलोलैक्टोज इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है, तो यहां पर एलोलैक्टोज की जो भूमिका है वो एक इंड्यूसर के समान है, दिस इज एन इंड्यूसर, ये इंड्यूस करता है किसको, ऑपेरॉन को, ठीक है, ये इंड्यूसर है। तो एलोलैक्टोज कहां से होता है, इनहिबिटर से। अब इनहिबिटर जुड़ने के बाद इनहिबिटर की जो संरचना है वो बदल जाती है, ठीक है, संरचना बदल जाती है, तो उसकी संरचना के बदलने से अब ये ऑपरेटर के ऊपर नहीं जुड़ेगा, जब ये नहीं जुड़ेगा तो ये पूरा प्रमोटर खाली रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज इस पर आसानी से आके जुड़ जाएगा और इन तीनों जीनों का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। दोबारा देखिए एक बार, ये जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो आई के द्वारा इनहिबिटर बनेगा, इस लैक ऑपेरॉन का लीकी एक्सप्रेशन होता रहेगा जिसकी वजह से जो लैक्टोज थोड़ा बहुत है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में एलोलैक्टोज में बदलेगा, और ये एलोलैक्टोज अब इनहिबिटर के साथ जुड़ करके इनहिबिटर को इनएक्टिव कर देता है। जब ये इनएक्टिव हो गया तो अब ये इनएक्टिव इनहिबिटर ऑपरेटर पर नहीं जुड़ेगा, प्रमोटर पूरा क्लियर रहेगा, आसानी से
आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ेगा और तीनों जीनों का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। और मैंने आप लिख रखा है कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो लैक ओपरॉन ऑन रहेगा। तो ये आज एक जनरल ओवरव्यू और एक कंडीशन जो हमने देखी है लैक ओपरॉन में। कल हम देखेंगे कैटाबोलाइट रिप्रेशन, जो इसी का लैक ओपरॉन का ही अगला भाग है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टीआरपी ओपरॉन। देखते रहिए मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।